तो क्या जब आप लोग फ्री फायर गेम खेलते हो उस टाइम पे अगर आप लोगों का मोबाइल लैग करता है, हीट करता है, या फिर आप लोगों की बैटरी बहुत जल्दी खत्म होती है, या फिर आपके सामने एक साथ तीन या चार स्क्वाड उतरती हैं, तो उस टाइम पे आप लोगों का मोबाइल पूरा का पूरा हिलने लग जाता है, या फिर आप लोगों को वन टैप मारने में प्रॉब्लम आती है, या फिर आप लोगों को हेडशॉट मारने में प्रॉब्लम आती है, इसके अलावा आप लोगों को नेटवर्क प्रॉब्लम आती है, फिर आप लोगों को जो गेम है वो स्मूथ नहीं चलता है। तो मेरे भाई तुम सभी से आज मेरी एक छोटी रिक्वेस्ट है कि मेरे कहने से आज की वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे सीक्रेट ट्रिक बताने वाला हूँ जिनका तुम अगर यूज करोगे तो आप लोगों को जो गेम प्ले वो नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। तो चलो गाइस बिना किसी टाइम वेस्ट हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो ये बात तुम सभी को पता है कि फ्री फायर के अंदर हर किसी बंदे के पास सेम मोबाइल नहीं होता है। आप में से बहुत सारे बंदे तो ऐसे हैं जिनके पास हाई डिवाइस और बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जिनके पास लो डिवाइस है। तो भाई देखो अगर आप लोगों के पास लो डिवाइस है, हाई डिवाइस है, लेकिन जब गर्मी आती है ना तो उस टाइम पे आप लोगों को लो डिवाइस भी काम करना बंद कर देता है और आप लोगों को जो हाई डिवाइस है वो भी काम करना बंद कर देता है। अब उस टाइम पे आप लोगों को बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है जो कि अपने मोबाइल के अंदर देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप लोग आज की वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते तो मैं 100% श्योर हूं कि आप लोगों को जो गेम है वो एकदम मक्खन की तरह चलने लगेगा। तो चलो गाइस बिना किसी टाइम वेस्ट के अभी हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो अभी मैं आपको जो कुछ भी बोलने वाला हूं या फिर जो कुछ भी दिखाने वाला हूं उसको थोड़ा ध्यान से देखना है और ध्यान से समझना है। तो चलो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं आप लोगों के मोबाइल की जो सेटिंग होती है उसके अंदर आप लोगों को एक जीपीयू वाला ऑप्शन मिलता है। अब जीपीयू वाला ऑप्शन आप में से शायद 90% बंदों को नहीं पता हो कि वो आप लोगों को कहां पे मिलेगा और उसे किस तरीके से ऑन करना है। सबसे पहले आप लोगों को अपनी मोबाइल की सेटिंग के अंदर जाना है। वहां पर आप लोगों को मिलेगा अबाउट फोन करके एक ऑप्शन, सिंपली आप लोगों को अबाउट फोन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग अबाउट फोन पर क्लिक करोगे यहाँ पर आप लोगों को एमयूआई वर्जन या फिर बिल्ड नंबर करके एक ऑप्शन दिखाई देगा। सिंपली आप लोगों को उस पर 6 या 7 बार लगातार टैप करना है। जैसे ही आप लोग एमयूआई वर्जन या फिर आप लोगों के मोबाइल के अंदर अगर बिल्ड नंबर है उस पर 6 या 7 बार लगातार टैप करोगे तो आप लोगों का जो डेवलपर ऑप्शन होता है वो ऑन हो जाए। जैसे ही आप लोगों का डेवलपर ऑप्शन ऑन होता है उसके बाद आप लोगों को बैक कर देना है। बैक करने के बाद आप लोगों को अपनी सेटिंग के अंदर सर्च करना है डेवलपर ऑप्शन। जैसे ही आप लोग डेवलपर ऑप्शन सर्च करोगे उसके बाद आप लोगों का जो डेवलपर ऑप्शन है वो आपके सामने आ जाएगा। जैसे ही आप लोग डेवलपर ऑप्शन के अंदर आओगे यहाँ पर आप लोगों को स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे साइड आना। जैसे आप लोग नीचे साइड आओगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है जिसका नाम होता है प्रोफाइल जीपीयू रेंडरिंग। तो आप लोग को सिंपली इस पर क्लिक करके इसे ऑन कर देना है। जैसे आप लोग प्रोफाइल जीपीयू पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, तीनों ऑप्शन में से आप लोगों को लास्ट वाला जो मैंने ऑप्शन चूज कर रखा है उसे भी आप लोगों को चूज कर लेना। ये तो आप लोगों के मोबाइल की जीपीयू सेटिंग, क्योंकि अगर आप लोग अपनी जीपीयू को ऑफ करके रखते तो उस टाइम पे आप लोगों का मोबाइल ठीक तरीके से वर्क नहीं करता। ये सेटिंग आप में से शायद 90% बंदे ऐसे हैं जिनको नहीं पता थी। तो आज से आप लोगों को हमेशा अपना जीपीयू ऑन करके खेलना है। ये तो आप लोगों की पहले नंबर की सेटिंग। अभी हम बात करते हैं सेकंड सेटिंग के बारे में बात। तो आप लोगों को सिंपली वापस से अपनी सेटिंग के अंदर डेवलपर वाला जो ऑप्शन होता है उसके अंदर आना। जैसे कि आप लोग डेवलपर ऑप्शन के अंदर आओगे यहाँ पर आप लोगों को स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे साइड आना। जैसे कि आप लोग इसमें नीचे साइड आओगे यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन मिलता है और उसका नाम होता है बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। तो आप लोग को सिंपली बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट पर क्लिक कर देना। अब इससे होता क्या है कि आप लोग अगर इसे ऑफ करके खेलते तो उस टाइम पे आप लोग जितने भी बैकग्राउंड में ऐप होते हैं वो वर्क नहीं करते। जिससे होता क्या है कि आप लोग जो भी गेम खेल रहे हो वही गेम आपका चलेगा और जितने भी आप लोग के बैकग्राउंड में ऐप थे वो रन करना बंद कर देंगे। तो आप लोग को सिंपली इसे ऑफ पे सेट कर देना। आप लोगों का अगर ये ऑन पे हो या फिर आप लोगों ने किसी भी और ऑप्शन चूज कर रखा हो तो सिंपली आप लोगों को इसे ऑफ पे क्लिक कर देना है। तो चलो अभी हम बात करते हैं तीसरी और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सेटिंग के बारे में बात। और यहाँ पर जो मैं तीसरी सेटिंग बताने वाला हूँ वो आप में से 90% बंदों को नहीं पता होगी। तो भाई देखो आप में से 99% बंदे गलती क्या करते कि आप लोग सिंपली अपने गेम को ओपन करते हो। गेम को ओपन करने के बाद आप लोग जैसे ही कोई दोस्त बुलाता है या फिर खुद ही अपने मन से बीआर रैंक मैच, सीएस मैच, कोई भी कस्टम खेलने लग जाते हो। तो आज से आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। आज से जब भी आप लोग अपने गेम को काट के उसे वापस से खेलो तो उस टाइम पे हमेशा आप लोग एक काम करना है कि आप लोगों को सेटिंग वाले ऑप्शन के अंदर जाना। जैसे कि आप लोग सेटिंग वाले ऑप्शन के अंदर जाओगे यहाँ पर आपको सबसे ऊपर की जो सेटिंग होती है बेसिक सेटिंग इसके अंदर आ जाना है। बेसिक सेटिंग के अंदर आपको दो चीजें मिलती है, पहली तो होती है क्लियर कैचे और दूसरा होता है आप लोगों को सेंड रिपोर्ट। अब आप लोग जब भी गेम खेलो तो उससे पहले आप लोग क्लियर कैचे कर देना और सेंड रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे भी क्लिक कर देना। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमको क्लियर कैचे और सेंड रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्यों क्लिक करना है। तो मेरे देखो जितना बड़ा गेम होता है उतनी उसकी कैचे फाइल होती है। अगर आप लोगों के मोबाइल के अंदर ज्यादा कैचे फाइल हो जाती है तो उस टाइम पे आप लोगों की जो मोबाइल की स्पीड होती है बहुत ज्यादा कम हो जाती है। सेंड रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे इसलिए क्लिक करना क्योंकि आप लोगों ने देखा हो कि कई कई बार आप लोगों गेम के अंदर ऑटोमेटिकली पिंग हाई होने लग जाता है, कई कई बार आप लोग बैक कर दिए जाते हो या फिर आप लोगों को ऑटोमेटिकली लैग करने लग जाता है। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है जो कि आप लोग गेम के अंदर देखने को मिलती है। तो आप लोग अगर सेंड रिपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे तो आप लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेंगी। ये तो आप लोगों की तीसरी सेटिंग। अभी हम बात करें चौथी और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सेटिंग के बारे में बात। लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ कि आप में से 88% बंदे ऐसे हैं जो कि मेरी वीडियो डेली देखते हैं लेकिन आप लोगों की तरफ से यार कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा। यानी कि आप लोग ना तो वीडियो को लाइक करते हो ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हो। तो मेरे को एक बात बताओ कि अगर तुम कोई मेहनत करते हो और तुमको वहां पर सपोर्ट नहीं मिलता है तो यार थोड़ा सा तुमको भी गंदा लगता है। तो यार मैं भी मेहनत करता हूं तो यार थोड़े से आपके सपोर्ट की जरूरत है। तो मेरे भाई ना तो लाइक करने के पैसे लगते हो ना ही सब्सक्राइब करने के पैसे लगते हैं। तो मेरे भाई अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक वाला बटन दबा देना। चैनल पर अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना। अब यार नीचे साइड देखो आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है, सिंपली बस आपको उस पर प्रेस ही
करना है। तो चलो गाइस अभी हम बात चौथी सेटिंग के बारे में बात, तो अभी मैं आपको जो कुछ भी बोलूँ पहले उसको सुनना है, देन उसके बाद आप लोग गेम में जाके वो ट्राई करना है। तो गाइस इसके लिए आपको सिंपली अपना फ्री फायर गेम है उसे ओपन कर लेना। जैसे कि आप लोग अपना फ्री फायर गेम ओपन करोगे, यहाँ पर आप लोग को जहाँ पर नाम लिखा होता है या फिर लेबल लिखा होता है सिंपली आप लोग को वहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप लोग अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। अब यहाँ पर आपको रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे कि आप लोग रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं, रिप्ले वाला और माई वीडियो वाला। तो यहाँ पर जो आप लोगों को रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन दिख रहा है इसके अंदर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, रिप्ले वाला और माई वीडियो वाला। इनके अंदर भी आप लोगों को दो तीन ऑप्शन मिलते हैं ऑन ऑफ वाला। तो आप लोगों का अगर ये ऑन हो तो इसे सिंपली आज ही ऑफ कर देना है। अगर आप लोगों का ये ऑन होगा तो क्या होता है कि आप लोगों को जो बैकग्राउंड में गेम प्ले होता है वो रिकॉर्ड होता रहता है। ये बात तुम सभी को पता है कि आप लोगों के पास चाहे लो डिवाइस हो चाहे आप लोगों के पास हाई डिवाइस हो, अगर आप लोगों का गेम बैकग्राउंड में रिकॉर्ड होता रहेगा तो उस टाइम पे आप लोगों को लैग प्रॉब्लम, हीट प्रॉब्लम या फिर जितनी प्रॉब्लम वो सारी की सारी देखने को मिलेंगी। तो आज ही जाके चेक कर लेना कि अगर आप लोगों का ये ऑन हो तो सिंपली आप लोगों को इसे ऑफ पे सेट कर देना है। आज की इस वीडियो में 500 डायमंड का गिव अवे और चलाएंगे। आप में से 5 रैंडमली बंदों को मेरी तरफ से 100-100 करके डायमंड है वो दिए जाएंगे। तो गाइस अगर आप लोग गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हो फिर 500 डायमंड जीतना चाहते हो तो उसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। आप लोग यहाँ पर जो देख रहे हो ये मेरी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है, तो आप लोगों को सिंपली इंस्टाग्राम पे जाके अपनी यूआईडी चाहते हैं मैसेज डाल देना। तो आप में से 5 रैंडमली बंदों को मेरी तरफ से मैं 100-100 करके डायमंड है वो दे दूंगा। तो इंस्टाग्राम की लिंक वैसे मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर रखी है, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैंने पिन कर रखी है। अगर आप लोग चाहो तो मेरे को इंस्टाग्राम पर सर्च भी कर सकते हो खूनी गेमर्स के नाम से, तो आप लोगों के सामने मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल आ जाएगी। तो मेरे भाई जाते जाते तुम सभी से एक रिक्वेस्ट है कि लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना। अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ।